हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक अफोर्डेबल लग्जरी अपार्टमेंट सोसाइटी जो कि है गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में। फ्रेंड्स, ये है प्रतीक ग्रैंड सिटी और ये NH 24 के बिल्कुल पास में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत ख़ास है और ये बिल्कुल मेन रोड पे है जहाँ से NH 24 और मोहन नगर बिल्कुल ही पास में है। तो दोस्तों, कुल मिला के यहाँ पे 26 टावर हैं जिसमें से कुछ डिलीवर्ड हो चुके हैं और कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। तो दोस्तों, अगर मैं पोजेशन की बात करूँ तो कुछ टावर्स का पोजेशन हो चुका है और ओवरऑल 30-40% लोग यहाँ पे रहने आ चुके हैं। तो ये यहाँ का सेल्स ऑफिस है और अंदर जाके हम और जानकारी लेते हैं। प्रतीक ग्रैंड सिटी का ये प्रोजेक्ट, इसका नाम है ग्रैंड कार्नेसिया और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स और अभी हम अंदर भी जाएंगे। और जो आप फ्रंट पे देख रहे हो एलिवेशन, ये सारा इंस्पायर्ड है कनॉट प्लेस प्रोजेक्ट पे। जैसा कि कनॉट प्लेस की मार्केट बनी है, ये वैसे ही इंस्पायर्ड है, वैसे ही इसकी लुक दे रखी है। और इस प्रोजेक्ट की जो खासियत है, ये NH 24 के बिल्कुल पास में है और इसमें जो रेट्स आपको मिल जाएंगे वो आसपास कोई भी प्रोजेक्ट में, सोसाइटी में नहीं मिलेंगे। तो आइए अंदर चलते हैं, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और बहुत ही ख़ास प्रोजेक्ट है जो कि एक 2 BHK और 3 BHK के जो बायर हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला ही है। और उन्हीं के हिसाब से 2-3 साइज़ दिए गए हैं 2 BHK में भी, 3 BHK में भी 2-3 साइज़ हैं। और सबसे ख़ास बात, इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो हर रूम में इन्होंने बैल्कनी वगैरह दे रखी हैं। तो दोस्तों, ये है मेन रोड जो कि प्रोजेक्ट इस पे आपको पूरा दिखेगा और मेन रोड से पूरी अप्रोच है। अभी हम खड़े हैं पार्किंग एरिया में और आप देख पा रहे हो कि ये पूरा मेंटेन है, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं और पीछे सारा प्रोजेक्ट है। जैसे अभी आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी कनेक्टिविटी है और सारी नीचे शॉप्स हैं, बढ़िया शॉप्स आने वाली हैं यहाँ पे, बैंक भी आएंगे यहाँ पे नीचे। सो कल को कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी कमर्शियल प्लेस की। और कनेक्टिविटी इसकी जो है 24 से बिल्कुल कनेक्टेड है। सो फ्रेंड्स, ये जो रास्ता है ये जाएगा मोहन नगर और जो नियरेस्ट मेट्रो यहाँ पे पड़ेगा शहीद स्मारक स्थल मेट्रो स्टेशन पड़ेगा और यहाँ से 5 मिनट की ही बस दूरी है और बिल्कुल ही नियरेस्ट टू मेट्रो स्टेशन है ये। तो कल को कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आने वाली कम्यूट करने में, बिल्कुल ही ईजी टू अप्रोच प्रोजेक्ट है ये। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ का पूरा मॉडल एक लेआउट बनाया हुआ है जिसमें कि सारा डिस्क्रिप्शन हर एक टावर का दे रखा है, कौन सी पार्क है, किस टावर को फेसिंग करती है, सारा आप यहाँ पे आके देख सकते हो। और आपने देखा होगा कि 2 रोड की पूरी कनेक्टिविटी है, मींस ये पूरा प्रोजेक्ट जो है 2 साइड से ओपन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें एक स्कूल आने वाला है, एक स्कूल आएगा और एक हॉस्पिटल भी आएगा। तो ये दोनों सुविधाएं हैं यहाँ पे। और फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो सिद्धार्थ विहार को लोकेट किया हुआ है इस मैप में और ये वाइट स्ट्रक्चर हमारा प्रोजेक्ट है। और आप देख पा रहे हो इसकी कनेक्टिविटी कितनी शानदार है और ये आप देख रहे हो मोहन नगर। और इस लेआउट से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे सिचुएटेड है। ये इंदिरापुरम है, सारी लोकेशन इसमें इजीली डिस्क्राइब की हुई है, आप चेक कर सकते हो। और ये कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाए हुए हैं जो कि ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं। तो दोस्तों, प्रतीक ग्रुप की बहुत अच्छी गुडविल है और सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी टाइम पे डिलीवर्ड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मॉडल से आपको बहुत एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि ये पूरा प्रोजेक्ट कैसे बना हुआ है और कौन सी चीज़ कहाँ पे सिचुएटेड है। और आप देख सकते हो टावर्स के बीच में पार्क हैं, ग्रीनरी मेंटेन की हुई है।
तो फ्रेंड्स अभी हम अंदर चलते हैं और रिव्यू करते हैं एक 3 BHK, और वो किस कंडीशन में आपको मिलने वाला है। जस्ट एक रॉ फ्लैट को मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम प्रोजेक्ट की एंट्रेंस पे खड़े हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट की एंट्रेंस कैसी है। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, और एंट्रेंस देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक बिल्कुल लग्जरी टाउनशिप की तरह लग रही है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग मिलने वाली है 2 फ्लोर्स की, और यहाँ पे कोई ओपन पार्किंग का कंसेप्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो टावर की एंट्रेंस को कितना बढ़िया तरीके से बनाया गया है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं 7th फ्लोर पे और आपको दिखाते हैं एक रॉ फ्लैट। तो दोस्तों ये है 3 BHK और ये आपको इसी रॉ कंडीशन में मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो फर्निश करना तो फर्निश करने के ऑप्शन भी हैं बिल्डर के पास, बट वो चार्जेबल है। एंट्री करते ही आपको एक लिविंग रूम और एक बैल्कनी मिल जाती है, और इस बैल्कनी से पूरी टाउनशिप का जो व्यू है वो बहुत ख़ास है। तो आप राइट में देख पा रहे हो किचन है और सामने एक कॉमन टॉयलेट है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि किचन में भी गैस कनेक्शन का पाइपलाइन है। और किचन के साथ में ही एक सर्विस एरिया भी दिया गया है। तो सर्विस एरिया में आप वॉशिंग मशीन अपनी प्लेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये कॉमन टॉयलेट है और यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है, शाफ्ट दी हुई है, जिसमें से आप सर्विस वगैरह कर सकते हो वॉशरूम की। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे तीनों रूम्स आ जाते हैं। आप देख सकते हो तीनों रूम्स बिल्कुल वेंटिलेटेड हैं और तीनों रूम्स में बालकनी दी हुई है। और एक ख़ास बात कि तीनों रूम्स की प्राइवेसी बहुत अच्छी है। कोई भी विजिटर लिविंग रूम में है तो उनको रूम्स में नहीं दिखेगा। तो मेंटेनेंस या रिपेयर के लिए वॉशरूम के बाहर एक सर्विस विंडो दे रखी है, जिसमें इजीली आप रिपेयर का काम अगर कुछ नीडेड है तो आप करा सकते हो। तो आप देख सकते हो क्या अमेजिंग व्यू है रूम की बैल्कनी से, पूरा टाउनशिप दिख रहा है यहाँ से।
तो दोस्तों 5 to 7 मेंबर्स की फैमिली के लिए ये अपार्टमेंट बिल्कुल ही सुटेबल है और गाज़ियाबाद की इस लोकेशन पे आपको ये डील मिल रही है जो कि बहुत एक अमेजिंग डील है। तो दोस्तों मैंने सारा प्रोजेक्ट को रिव्यू किया अच्छी तरीके से, अपार्टमेंट को भी देखा और यहाँ पे मुझे कोई माइनस पॉइंट एज सच यहाँ पे नज़र नहीं आया है। सो दोस्तों सारा प्रोजेक्ट घूमने के बाद, रिव्यू करने के बाद और कुछ जानकारी अब हम हमारे एक्सपर्ट दिनेश दयाल जी से लेते हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है सिंह जोन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपको लेके आए हैं बिल्कुल नई और बहुत ही वैल्यूएबल एंड प्रसिद्ध लोकेशन पे। जी हाँ दोस्तों, जो कि आती है गाज़ियाबाद के वन ऑफ दी प्राइम लोकेशन, जिसको हम कहीं ना कहीं नेक्स्ट टू इंद्रापुरम बोलते हैं या इंद्रापुरम एक्सटेंशन बोलते हैं। इस लोकेशन का नाम है सिद्धार्थ विहार। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी जो USP है वो ये है कि ये दो मेजर नेशनल हाईवेज से कनेक्टेड है। अगर इस तरफ मैं बात करूँ तो NH 24 आता है जो कि गाज़ियाबाद अक्षरधाम से होते हुए हापुड़ निकल जाता है, और अगर हम इस तरफ की बात करें तो NH 58 एंड NH 57 आता है जो कि दिल्ली बाया मेरठ निकल जाता है। उस दोनों हाईवेज के बीचों बीच ये एक लिमिटेड लैंड आती है जो कि 600 एकड़ के अंदर ये लैंड है। लिमिटेड इसमें डेवलपर्स होंगे, 12 से 13 इसमें डेवलपर्स आने हैं। और दोस्तों आपको बहुत आश्चर्य होगा और बहुत खुशी होगी जान के, यहाँ पे गाज़ियाबाद का सबसे बड़ा थीम पार्क बनना है जो कि 50 प्लस एकड़ के अंदर होगा। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है ये आवास विकास के अंदर अंतर्गत आता है। आवास विकास के बारे में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में एक ऐसी अथॉरिटी है जो बहुत प्लान बहुत ऑर्गेनाइज के साथ चलती है। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ आज आपको ग्रैंड सिटी जो कि 40 एकड़ के अंतर्गत आती है, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का सेगमेंट है 2 BHK एंड 3 BHK आता है और जो ऑलमोस्ट 42 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, इफ आई टॉक अबाउट द एलिवेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आप दिखाइए एक बार, बहुत ही शानदार और न्यू थीम पे ये प्रॉपर्टी का एलिवेशन दिया गया है। आप थोड़ा सा कैमरा नीचे लाइए, शॉप्स का एलिवेशन दिखाइए। ये जो एलिवेशन है ये आप देखेंगे ब्रिटिश एलिवेशन के रूप में बनाया गया है। अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देना चाहें तो वो है दिल्ली का बहुत फेमस कनॉट प्लेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दो मेजर अभी जो मेट्रो स्टेशन है, एक सेक्टर 63 वाला मेट्रो स्टेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक पार्क के नाम से फेमस है, और अगर हम मोहन नगर की बात करें तो यहाँ पे शहीद स्थल स्मारक पार्क के नाम से जो मेट्रो स्टेशन है ये आ चुका है, एक्टिव है, और यहाँ पे DPS स्कूल है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो डेली रूटीन्स की चीज़ है, ब्रेड एंड बटर से बात करें, डेली नीड्स की बात करें, तो सामने हमारा प्रताप विहार आ जाता है। उसकी वजह से यहाँ पे आपको किसी भी ऐसे डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट की हर्डल्स और कोई भी ऐसा पेन एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। अब मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन की एंड कनेक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पे दोस्तों 24/7 hours जैसे मैंने बताया मेट्रो स्टेशंस हैं, प्लस यहाँ पे ऑटो टैक्सी ओला उबर ये सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ के साथ अगर मैं फूड चेन की डिलीवरी की बात करूँ तो जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, यहाँ पे ये सब डे वन से उपलब्ध हैं और सारी की सारी सर्विस बहुत ही वंडरफुल वे में दी जाती हैं।
एक चीज मैं और एड ऑन करना चाहूंगा सिंह जोन चैनल के माध्यम से, यहाँ पे कुछ फैमिलीज आ भी चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट 50 से 60 फैमिलीज यहाँ आ चुकी हैं। इस प्रोजेक्ट का OC एंड CC कंप्लीट है और यहाँ पे रजिस्ट्री ओपन है। तो दोस्तों कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं है, आप अपने सपनों का घर यहाँ पे ले सकते हैं, आप अपने बहुमूल्य पैसों को सही जगह लगा सकते हैं। और मेरी उम्मीद है सिंह जोन जो चैनल है यह आपको आने वाले समय में बहुत सटीक और बहुत वैल्यूएबल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। साथ में जुड़े रहिए अगली वीडियो तक के लिए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। और दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं शर्मा जी, वो भी हमारे साथ आए हैं फ्लैट देखने के लिए, आओ उनसे भी मुलाकात करते हैं। जी सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा आपको ये फ्लैट? सिंह साहब ने मुझे 7th फ्लोर दिखाया है और 7th फ्लोर पे ये 3 BHK फ्लैट मैंने देखा है और ये बहुत डिसेंट मुझे लगा। और मैं कहूँ अगर स्पेशलिटी जो मुझे यहाँ की लगी वो सबसे अच्छी है कि ये क्रॉस वेंटिलेटेड है और तीनों फ्लोर के तीनों रूम हैं वहाँ बालकनी है और सामने क्लब हाउस है और उसके साथ स्विमिंग पूल है। तो मतलब ये एक बहुत ही अमेजिंग मुझे सबसे ज़बरदस्त लगा फ्रंट जो है हमारे पास, जो क्लब हाउस है और जो स्विमिंग पूल है और उसके अलावा जो क्रॉस वेंटिलेशन है, ये परफेक्ट है, जो मैंने और प्रोजेक्ट्स में नहीं देखी अभी तक। तो ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा इसका। थैंक यू सो मच सिंह साहब, धन्यवाद। मैं प्रतीक ग्रुप ग्रांड सिटी से मैनेजमेंट से हूँ। यहाँ का कस्टमर बहुत खुश है क्योंकि यहाँ की जो मैनेजमेंट का है, मेंटेनेंस का बड़ा अच्छा है, पार्क वगैरह बहुत अच्छे मेंटेन किए हुए हैं, स्विमिंग पूल बड़ा अच्छी तरीके से बन रहा है, तैयार हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। 14,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे क्लब है। कस्टमर बहुत सेटिस्फाई हैं यहाँ पे, जो भी कस्टमर आते हैं देख के बड़ा खुश होते हैं क्योंकि रेडी टू मूव सोसाइटी है पूरी। आसपास इस लोकेशन में रेडी टू मूव सोसाइटी कहीं पे भी नहीं है। मैं आपको लोकेशन को बता देता हूँ, 650 एकड़ में पूरी ये सिद्धार्थम है। इसमें 8 से 9 बिल्डर हैं, इसमें 2 ही प्रोजेक्ट रेडी टू मूव है, एक एपेक्स का क्रेमनिल है जो कि छोटा प्रोजेक्ट है, 6 एकड़ में है, उसमें पार्क नहीं है। हमारा ये 40 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें फर्स्ट फेज हमने 25 एकड़ में बनाया है। इसमें 24 टावर हैं हमारे, 2500 फ्लैट है, 3000 इसमें कार पार्किंग है, डबल बेसमेंट पार्किंग है। इस लोकेशन का आइडिया देता हूँ, ये लोकेशन एक ऐसी है जिसमें 3 5-स्टार होटल आ रहे हैं, एक का काम चल रहा है NH-24 पे, और इस लोकेशन में कोई भी फ्लैट आपको 70-80 लाख रुपए से मिनिमम छोटा 2 BHK भी नहीं मिलेगा। सबसे सस्ता रेट है हमारा, रीजनेबल प्राइस है हमारे प्रति ग्रांड सिटी के। जो भी कस्टमर आ रहा है खुश होकर जा रहा है, उसके रेट में भी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं सब ये कहना चाहूँगा, एक बार आप अगर सिद्धार्थ विहार आएँ या आसपास की लोकेशन में आप फ्लैट देख रहे हैं तो एक बार आप प्रतीक ग्रैंड सिटी ज़रूर आएँ। मैं रमन सिंह हूँ, मैं भी प्रतीक ग्रुप के साथ में हूँ। और मैं आपको ये बताऊँ तो प्रतीक अपने में एक ब्रांड है, तो हम लोग मैक्सिमम अपने ब्रांड को प्रमोट तो ज़्यादा करते नहीं है क्योंकि हमारी क्वालिटी में ही दम है। जैसा कि आपको सर ने बताया, अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्वालिटी की बिल्कुल कमी नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा कार्नेशिया एंड पाइनिया, ये सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट है हमारा। और यही मैं अगर आपको सामने दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे गोल्फ कोर्स आने वाला है जो GDA की तरफ से अप्रूवल भी है, प्लस पॉइंट यहाँ पर हमारे 2 मॉल भी आने वाले हैं, जो गैलेक्सी एंड आपका V3S मॉल है जो यहाँ पर ओपन होने वाला है। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के पर्पस से अगर आप देखो तो ये सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला एरिया है और फ्यूचर में इसका जो मार्केट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाइक होगा। मिनिमम आप देखो तो सिर्फ 1 ईयर का सिर्फ फ़र्क है और 1 ईयर में इसका मार्केट रेट बहुत ज़्यादा हाइक होने वाला है। सर ने कहा कि आगे 5-स्टार होटल खुलने वाले हैं, तो वो बिल्कुल सच है कि अगर आप चेक भी करोगे साइट्स पे तो वो सही में आगे 5-स्टार होटल भी खुलने वाले हैं क्योंकि प्राइम लोकेशन है सर। और फ्यूचर मार्केट प्लान से अगर आप देखो तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस द प्रतीक ग्रैंड सिटी। तो आप सबसे यही गुजारिश है, अगर आपको चाहिए तो आप इजीली आइए यहाँ पे और अपना फ्लैट अपने ड्रीम के हिसाब से बुक करवाइए। धन्यवाद।